दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वो बहुत दुष्ट था। जंगल के जानवर उसकी दुष्टता के बारे में जानते थे, इसलिए उससे सावधान रहते थे। इस कारण उसका शिकार करना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने जंगल से बाहर जाकर शिकार करने का सोचा। वो रोज देखता कि भेड़ों का एक झुंड रोज एक मैदान में आता और शाम होने पर लौट जाता। एक दिन भेड़िया भेड़ों से कुछ दूर पर घास चरने लगा। बहनों रुको, मैं तुम लोगों को खाने नहीं आया हूँ। मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। अब मैं शाकाहारी हो गया हूँ, इसलिए मैंने जंगल भी छोड़ दिया और सोचा कि तुम लोगों के साथ ही रहूं। हाँ? हम तुम पर कैसे भरोसा कर ले? तुम तो हमारे जन्मजात शत्रु रहे हो। देखो, तुम्हें विश्वास ना हो तो देख सकती हो कि काफी देर से मैं घास ही चर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैंने इसे घास खाते हुए देखा है, लेकिन तुमने घास खानी क्यों शुरू कर दी? एक दिन मुझे एक साधु महाराज मिले। उन्होंने मुझे इस बात के लिए बहुत लताड़ा कि मैं जीव हत्या करता हूँ। उनके दिए ज्ञान और उपदेश से मैंने जीव हत्या बंद कर दी। तो इसका मतलब तुम बहुत अच्छे हो गए हो। तब भी हम तुम पर विश्वास नहीं कर सकते। तुम हमसे 50 कदम दूरी पर रह सकते हो। ठीक है। भेड़िया मौका खोना नहीं चाहता था। उस दिन से वो भेड़ों के साथ 50 कदम की दूरी पर रहता। न तो उन्हें हानि पहुंचाता और न ही उनके पास किसी जंगली जानवरों को आने देता। अब वो उनकी रक्षा करने लगा था। ये देखकर भेड़ों के साथ साथ चरवाहे को भी भेड़िया पर विश्वास हो चला। भेड़ उसे अपना मित्र मानने लगी। एक दिन चरवाहे को अपनी ससुराल जाना था। उसने भेड़िये को बुलाया। देखो, मैं कुछ दिनों के लिए ससुराल जा रहा हूँ। हफ्ते दो हफ्ते बाद वापस लौटूंगा। तब तक तुम मेरी भेड़ों की रक्षा करना। भेड़ों ने भी भेड़ियों को अपने रक्षक के रूप में स्वीकार कर लिया। चरवाहा निश्चिंत होकर ससुराल चला गया। भेड़िया को मौका मिल गया। वो रोज रात को 2-3 भेड़े मारकर खा जाता। अपनी संख्या घटती देख भेड़े चिंतित तो रहती, लेकिन उन्हें भेड़िये पर तनिक भी शक न हुआ। धीमे धीमे भेड़िया सारी भेड़ों को खाकर जंगल की ओर चला गया। कुछ हफ्तों बाद जब चरवाहा घर लौटा और उसने जगह जगह भेड़ों की हड्डियां देखी, तो उसे सारा माजरा समझ में आ गया। उसने सिर पीट लिया। हाय हाय, ये मैंने क्या किया? एक दुष्ट पर विश्वास कर लिया। अरे, मेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आई कि दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता? अरे, दुष्ट पर विश्वास करना अपना नुकसान करना है। अरे, अरे।